أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم This is Muffin Rafa and you are watching Virtual Student Support Services YouTube channel. Today's video is about ACC501 Business and Finance. Let's see the quiz number 3 of ACC501 Business Finance. So, इसमें हमारे पास first question है, which of the following is the difference between current assets and current liabilities? इसमें net differences है, net working capital है, current ratio है, net available capital है. When we are detecting the current liabilities from the current assets, so that we have the value of net working capital. तो इसमें जो हमारा second वाला है, वो इसका ठीक जवाब आ जाएगा. सेकंड क्वेश्चन है जी, द इंक्रीज इन डेट फाइनेंसिंग रेजिज द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी बिकॉज द रिस्क बॉर्न बाय द इन्वेस्टर इंक्रीज विच इज कॉल्ड फाइनेंशियल रिस्क है, बिजनेस रिस्क है, फंक्शनल रिस्क है और नन ऑफ द गिवन ऑप्शन है. तो इसमें हमारे पास जो फाइनेंशियल रिस्क है, मतलब फर्स्ट वाला, वो इसका ठीक जवाब आ जाएगा. थर्ड पे है जी, सोर्सेज ऑफ कैश ऑलवेज इन्वॉल्व इन द ब्लैंक्स अ लाइबिलिटी और इक्विटी अकाउंट आर फिल इन द ब्लैंक्स एंड एसेट अकाउंट. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है. तो सोर्स ऑफ कैश ऑलवेज इन्वॉल्व इंक्रीजिंग लाइबिलिटी और हमारा जो एसेट्स है वो डिक्रीज होता है. तो इसमें जो फर्स्ट वाला है वो हमारा इसका ठीक जवाब आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अनसिस्टमैटिक रिस्क इज नोन एज डाइवर्सिफाइबल रिस्क है, मार्केट रिस्क है, नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क है और नन ऑफ द गिवन ऑप्शन है. तो जो अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है वो हमारा डाइवर्सिफाइएबल रिस्क होता है. तो इसमें जो फर्स्ट वाला है वो हमारा इसका ठीक जवाब आ जाएगा. इसमें फिफ्थ नंबर पे है, बिजनेस रिस्क डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क ऑफ द फर्म्स एसेट्स. इसमें सिस्टमैटिक रिस्क है, डाइवर्सिफाइएबल रिस्क है, अनसिस्टमैटिक रिस्क है और नन ऑफ द गिवन ऑप्शन है. तो हमारा जो बिजनेस रिस्क है वो डिपेंड कर रहा होता है सिस्टमैटिक रिस्क के ऊपर. तो इसमें भी हमारा जो फर्स्ट वाला है वो इसका ठीक जवाब आ जाएगा. सिक्स नंबर पे है जी, व्हाट विल हैपन टू कैश साइकिल इन इफ इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल पीरियड गेट लॉन्गर. हमारी जो इन्वेंट्री है और जो हमारे रिसीवेबल हैं वो अगर ज़्यादा पीरियड हो जाते हैं तो कैश साइकिल इंक्रीजिज, कैश साइकिल डिक्रीजिज, कैश साइकिल रिमेन अनइफेक्टेड और कैश साइकिल हैव डू नथिंग विद इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल पीरियड. जब हमारा रिसीवेबल पीरियड बढ़ जाता है तो हमारा जो कैश साइकिल है उसका भी जो पीरियड है वो बढ़ जाता है. तो इसमें हमारा जो फर्स्ट वाला है वो इसका ठीक जवाब आ जाएगा. सेवन नंबर पे है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ द ओवरऑल रिटर्न ऑफ द फर्म मस्ट अर्न ऑन एग्जिस्टिंग एफर्ट्स टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ स्टॉक. इसमें IRR है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, MIRR है, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, WACC है जी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और ARR है, एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न. तो इसमें जो WACC है, WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये हमारा इसका ठीक जवाब आ जाएगा. इसमें एट नंबर पे है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑन द वैल्यू ऑफ द फर्म्स WACC व्हेन देर आर नो टैक्सेस एंड बैंक्रप्टसी कॉस्ट. वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीजिज एंड WACC डिक्रीजिज, वैल्यू ऑफ द फर्म डिक्रीजिज एंड WACC इंक्रीजिज, वैल्यू ऑफ द फर्म एंड WACC बोथ आर नॉट अफेक्टिव. और लास्ट में है, कैपिटल स्ट्रक्चर है, डू नथिंग विद द वैल्यू ऑफ फर्म एंड WACC. तो इसमें जो थर्ड वाला है, वैल्यू ऑफ द फर्म, WACC, बोथ आर नॉट अफेक्टेड. तो ये मतलब अफेक्ट नहीं होता. तो इसमें जो थर्ड वाला है वो इसका ठीक जवाब आ जाएगा, आई थिंक. नाइन नंबर पे है जी, यूजेस ऑफ कैश ऑलवेज इन्वॉल्व फिल इन द ब्लैंक्स फॉर लाइबिलिटी और इक्विटी अकाउंट आर फिल इन द ब्लैंक्स एंड एसेट. तो इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग है. तो इसमें जो है डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग आएगा क्योंकि इसके अंदर कैश इज ऑलवेज इन्वॉल्व आ रहा है. तो इसलिए हमारा डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग मतलब सेकेंड वाला जो है वो इसका ठीक जवाब बन जाएगा. लास्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ग्रुप ऑफ एसेट्स सच एज स्टॉक एंड बॉन्ड हेल्प्ड बाय एन इन्वेस्टर. इसमें स्टॉक बंडल है, पोर्टफोलियो है, कैपिटल स्ट्रक्चर है और नन ऑफ द गिवन ऑप्शन है. तो इसमें हमारा जो पोर्टफोलियो है वो इसका
ठीक जवाब आ जाएगा, मतलब सेकंड वाला जो है वो इसका बिल्कुल ठीक जवाब है। तो दोस्तों ये था हमारा क्विज़ ACC501 बिजनेस फाइनेंस का। उम्मीद है आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि क्विज़ कहाँ से आ रहे हैं। तो आप मुफिन भाई की वेबसाइट VUFF.com देखते रहिए, मैंने वहाँ पे फाइनल टर्म के हवाले से भी काफ़ी सारा मटेरियल अपलोड कर दिया जो आपको हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।